कुछ नहीं है, मैं मैनपुरी से हूँ, मैं मैनपुरी में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं घंटा घर चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। दरोगा रवि कुमार जो कि देवीगढ़ चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरी दुकान के बैनर पर से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नए नंबरों से कॉलें करता था। जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जाती थी तो मुझे रास्ते में रोककर मेरे स्कूटी के कागज़ छीन लेता था, कभी चाबी निकाल लेता था, बदतमीजी देता था, गंदी गालियां देता था, कहता था मुझसे बात किया कर। मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। काफ़ी बार मैंने सोचा कि ये मुझसे मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे तंग करना बंद कर दे, लेकिन वो बराबर मुझे परेशान करता था। मेरी स्कूटी के चाबी छीन लेता था, कभी कागज लेकर चौकी पर चला जाता था और सिपाहियों से कहता था कि इस लड़की को बुला लाओ चौकी पर। मैं चौकी पर जाने को मना कर देती थी तो मेरे कागज सिपाहियों से वापस करवा देता था। 10 बार कम से कम उसने मेरे साथ ऐसा किया। तब उसे तंग आकर उसे मुझे इतना परेशान कर लिया, उसे तंग आकर मैंने सोचा मैं उसकी शिकायत करूँगी। मैं उसकी शिकायत लेकर मैनपुरी SSP के यहाँ गई। मैनपुरी SSP किया, मैं अपनी छोटी बहन और अपने छोटे बड़े भाई को लेकर गई। मैनपुरी SSP ने रवि कुमार दरोगा को वहीं बुला लिया। उसके बाद में वहाँ पर जो मेरे साथ जो बड़े भाई थे उनको बहुत मारा पीटा और ये कहने लगे कि पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर आया है तू इसके साथ, और यहाँ पर पुलिस के खिलाफ लिखा पढ़ी कराएगा तू, और मारने पीटने लगे। उसके बाद में मेरी बहन की और मेरे भाई की गलत तरीके से जेंट्स और लेडीज अपने स्टाफ से 3 बार तलाशी करवाई। बहुत ही यातनाएं दी, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की। हमारे साथ मैनपुरी SSP अविनाश पांडे और मैनपुरी के CO सिटी अभय नारायण वहाँ पर मौजूद के तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने हम लोगों को 2.5 घंटे तक अपने अपने ऑफिस के कमरे में बंद रखा, वहाँ इतना परेशान किया, इतनी धमकियाँ दी। कह रहे थे कि पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जेल जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा। उसके बाद उनका पूरा स्टाफ लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस सब हम लोगों पर पूरी तरह टूट पड़े और हम लोगों को बहुत मारा पीटा वहाँ पर। हम लोगों को बहुत मारा पीटा, हम लोगों को वहाँ से फिर कोतवाली भिजवा दिया। वहाँ से कोतवाली भिजवाने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे भी 1.5 घंटा बिठा के रखा। जैसे तैसे मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ से छुड़वाया, मुझे सुपुर्दगी में छोड़ा गया। हम लोगों को मारने पीटने लगे। एक लेडीज कॉन्स्टेबल को हम लोगों को तरस आ गया। वो कहने लगी तुम 1076 पर कॉल करो, तो वहाँ पर हम लोगों से हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। उसके बाद हम लोगों को इतनी ज़्यादती की, हम लोगों के साथ इतनी ज़्यादती की, इतनी बुरी तरह का व्यवहार किया गया कि हम तो शिकायत करने गए तो उल्टा हमी को बंदी बना दिया। मेरी बहन भाई बेहोश होकर गिर पड़ी। हम लोगों को धमकियाँ मिल रही थी कभी पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर कहीं जाएगी, तेरी हिम्मत कैसे पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर जाने की। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो। हम राजीनामा कैसे कर ले, वैसे भी तो वो धमकी देता था दरोगा कि मुकदमे में फंसा देगा। आज उसने झूठे मुकदमे में भी मेरे परिवार को फंसा दिया है। बार बार पुलिस घर आती है, धमकियाँ देती है, हम लोग डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोलते, कभी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ वहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। सब पुलिस से डरते हैं, कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता और कोई हमारा साथ देना भी नहीं चाहता, हमारी मदद की जाए, हम बहुत परेशान हैं। मैनपुरी SSP, मैंने सबको फैक्स किए, मैंने सबको रजिस्ट्री की। हमें मदद की गुहार लगाने गई थी SSP साहब के यहाँ पे, या हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि मैं तो सबसे अपील करूँगी कोई भी लड़की वहाँ ना जाए, अगर जाएगी तो उल्टा बंदी बना ली जाएगी और ऐसे जाती की जाएगी, उसे इतना परेशान किया जाएगा कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वो दरोगा रवि कुमार आज दूसरी चौकी पर तैनात है, वही बैठा हुआ है, मेरे पास नए नए नंबरों से कॉल आते हैं, कहते हैं अपने बयान दे दो आगे। मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ, मैं जब वहाँ पर जाती हूँ तो अपने घर वालों को और कुछ लोगों को लेकर तो वहाँ मुझे लौटा दिया जाता है, कहते हैं जाओ कल आना। जो मैं मेरे पास रात में फ़ोन आता है, कहते हैं रात में आओ बयान देने, मैं रात को कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने ये कहकर कॉल काट दिया काफ़ी बार। तो फिर
आज ही मेरे घर पुलिस वाले आए और कुंडी पीटने लगे। मैं अपने घर पर मौजूद नहीं थी। धमका कर गए हैं कि फिर आएंगे, अब तो ताले तोड़ के निकाले जाएंगे अगर अंदर भी कोई होगा तो। मेरी मदद की जाए, मेरी मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है। पुलिस ने झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया है दरोगा रवि कुमार, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैनपुरी SSP CU सिटी अभय नारायण सर, उन्होंने कुछ भी मेरी मदद नहीं की, उल्टा उनके सामने तमाशा बनाया गया। इतना तमाशा बनाया गया, जीना मुश्किल हो गया। बस आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आप मेरी मदद नहीं हुई तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, हमारी कहीं से मदद नहीं हो रही। मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ, मेरी मदद करो, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे परिवार को।